देखो, बहुत फ्लफी, उतना ही टेस्टी और उतना ही सॉफ्ट बनी है ये रेसिपी। आप लोगों ने मेरी जीरो ऑयल की रेसिपी बहुत पसंद की है, तो सोचा एक और जीरो ऑयल की रेसिपी लेकर आऊं। इस रेसिपी को आप स्नैक्स या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट तीनों टाइम में खा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं पिंकी और आपका मेरे किचन में स्वागत है। इस रेसिपी को आप भपौरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और उसमें डालेंगे 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप मसूर की दाल यानी कि रेड लेंटिल्स, 1/4 कप तूर की दाल और कुछ लोग इसे रहर की दाल भी बोलते हैं, 1/4 कप मूंग की दाल। इन सबको हम एक साथ डालेंगे। इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बेहतरीन रेसिपीज मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धो लेने के बाद मैंने पानी को ड्रेन आउट कर दिया था। अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे और इसे भिगो करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद दाल अच्छे से फूल गया। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर कर लेने के बाद अब इसमें डाल देंगे 1/2 इंच के करीब अदरक। मैं यहाँ पे 2 लहसुन की कलियां इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एज यूजुअल मेरी लहसुन की कलियां मोटी है। आप 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 3 ग्रीन चिली। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे, इसे चिकना नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तभी डालेंगे पानी, वरना ऐसे ही पीस लेंगे। ये देखिए, ये दरदरा भी है और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मंगरेला, 1 टीस्पून जीरा, 2 पिंच के करीब हींग, ये टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा और पेट भी अच्छा रहेगा, 1 चॉप्ड किया हुआ अनियन यानी कि प्याज और 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मटर यूज कर रही हूँ। अगर है आपके पास तो यूज करें, वरना स्किप करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन क्योंकि मेरे पास इतना ही बचा था, और कोरिएंडर लीव्स मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो इसमें ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स डालें क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़कर आएगा। तो दोस्तों, ये जीरो ऑयल रेसिपी है और यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1 कप मोल्ड। आप इसे कटोरे में या फिर इडली मेकर में भी बना सकते हैं। अब हम बैटर को इसमें डाल देंगे, तो पूरा इसे नहीं भरेंगे, थोड़ा सा जगह खाली रखेंगे क्योंकि इसे फूलने के लिए भी जगह चाहिए। थोड़ा सा इसे दबाते हुए भी हम चिकना कर देंगे ताकि ये फूले तो एक लेयर में फूले इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने पहले से ही एक बड़े कंटेनर में पानी डाल करके रख दिया था गर्म होने को। पानी गर्म हो गया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे केक मोल्ड को और इसे ढक करके रख देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में। 15 मिनट के बाद चलिए देख लेते हैं ये पका है या नहीं। यहाँ पे एक टूथपिक लेकर के चेक करेंगे तो ये देखिए, ये चिपका नहीं है, मतलब ये पक गया है। अगर आपका चिपक रहा है तो थोड़ी देर के लिए और रख देंगे ढक करके। मैंने इसे ठंडा होने को रख दिया था थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, और अब इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और बाकियों को भी निकाल लेंगे। देखा, जीरो ऑयल की रेसिपी कितनी अच्छी बनी है और कितना इजी है इसे बनाना। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितना सॉफ्ट बना है और उतना ही फ्लफी भी है।
सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की क्या है पता? आप इसे इवनिंग स्नैक्स, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट तीनों ही टाइम में खा सकते हो। अब इसे एक बार बनाना तो बनता है, तो चलिए बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद है तभी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे।